स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन। ठीक है, लास्ट जो 4 वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हम समझ चुके हैं अधिशोषण क्या होता है, और अधिशोषण के आधार पर ही हम उत्प्रेरक और एंजाइमों के बारे में भी समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम पृष्ठीय रसायन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो अधिशोषण पर ही आधारित है, जिसे कहते हैं हम कोलाइडी अवस्था। ठीक है ना, हम इसमें कोलाइडी अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, ये ठोस, द्रव और गैस जो प्रावस्थाएं होती हैं, इनमें अंतर होता है आपस में अंतर आणविक आकर्षण बलों का। ठीक है ना, ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, द्रवों में उससे थोड़े कम होते हैं और गैसों में थोड़े और भी कम होते हैं। ठीक है ना, ये 3 अवस्थाओं के अलावा ग्राम नामक वैज्ञानिक ने एक और अवस्था बताई थी, जिसे इन्होंने कोलाइडी अवस्था नाम दिया था। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली कोलाइडी अवस्था पदार्थ की एक नई अवस्था नहीं थी, वो इन्हीं अवस्थाओं का एक रूप था जिसमें कणों का आकार एक स्पेशल परास का यानी स्पेशल आकार के होते हैं, विशेष आकार के कण पाए जाते हैं। तो विशेष आकार के कणों की जो अवस्था है उसे ही हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं, और वो विशेष आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनो। और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9 मीटर। ठीक है ना, तो पदार्थ की वह अवस्था या किसी भी भौतिक अवस्था जिसमें कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच होता है, उसे हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, तो पदार्थ की वह प्रावस्था जिसमें कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य होता है, कोलाइडी अवस्था कहलाती है। ठीक है ना, अब इस आकार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था को हम कणों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन से? एक भाग तो हमें ये नजर आ रहा है 1 nm से 1000 nm के बीच का। दूसरी प्रावस्था हो सकती है जिसमें कणों का आकार 1 nm से छोटा हो, और तीसरी अवस्था हो सकती है जिसमें कणों का आकार 1000 nm से बड़ा हो। ठीक है ना, तो जब इस प्रावस्था के कणों को हम किसी विलायक में घोलेंगे तो विलयन बनेगा। तो इस तरह के विलयन जिनमें कणों का आकार 3 अलग अलग प्रकारों का हो सकता है, तो विलयन भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कणों के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक विलयन, जो हम सामान्य विलयन देखते हैं, जैसे नमक को या चीनी को या यूरिया को जब जल में घोल देते हैं तो आसानी से जल में घुल जाता है, और जल में घुलने के बाद हम ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि उसमें पानी में हमने क्या घोला है, नमक घोली है या चीनी घोली है या कुछ और घोला है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे जो विलयन होता है वो 100% समांगी होता है, जिसमें हमें केवल एक ही प्रावस्था दिखाई देती है। इस प्रकार की एक ही प्रावस्था वाले विलयनों को हम कहते हैं वास्तविक विलयन, यानी कि रियल सॉल्यूशंस, यानी कि वह समांगी विलयन है जिसमें कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है। इन्हें हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते, नग्न आंखों से तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है, हम उन्हें अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते, जैसे NaCl का विलयन, यूरिया का विलयन आदि। दूसरी बात करते हैं अपन निलंबन यानी सस्पेंशन की। यहां हमने क्या बात की? कणों का आकार 1 nm से छोटा था। अब निलंबन की बात करते हैं जिसमें कणों का आकार 1000 nm से बड़ा होता है। जैसे मिट्टी, पानी में अगर हम मिट्टी या बजरी घोल दें, सैंड डिजॉल्व कर दें, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इस पानी में बजरी है या मिट्टी है, देखते ही पता चल रहा है। दोनों पदार्थ भी दिख रहे हैं हमें कि किसमें क्या घोला गया है, और दूसरी चीज वो मिट्टी जो है वो थोड़ी देर में नीचे भी बैठ जाती है ना, निलंबन सस्पेंशन हो जाता है उसका, नीचे बैठ जाती है वो, है ना, सस्पेंडेड हो जाती है। तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कणों का आकार 1000 nm से बड़ा होता है, निलंबन यानी कि सस्पेंशन कहलाता है, और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो आसानी से देखा ही जा सकता है, बल्कि हम कुछ कणों को तो नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे मिट्टी का विलेय। ठीक है ना, तो देखिए वास्तविक विलयन में हमने क्या कहा? कणों का आकार है 1 nm से छोटा। वास्तविक विलयन इसमें निलंबन में हमने कहा कि कणों का आकार है 1000 nm से बड़ा। तो अब 1 nm से 1000 nm के बीच की रेंज बच गई, इस रेंज के विलयन को हम कहेंगे कोलाइडी विलयन। अर्थात कोलाइडी विलयन कौन सा विलयन है? यह विषमांगी मिश्रण है,
जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य होता है। इन्हें हम नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे गोंद है ना, गोंद जो अपन यूज लेते हैं, गोंद का विलयन है, हमें ये पता चल रहा है कि पानी में कुछ घोला गया है, लेकिन एग्जैक्टली गोंद ही घोला गया है ये पता नहीं चल रहा। यानी विषमांगी मिश्रण है, प्रावस्थाएं भी दो दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं कि वो प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे ये वास्तविक विलयन जो होते हैं, वास्तविक विलयन में जो पदार्थ घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, और जिस में घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि विलेय को जब विलायक में घोला जाता है तो वास्तविक विलयन बनता है। उसी प्रकार जब हम कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तो कोलाइडी विलयन कैसे बनेगा, कोलाइडी विलयन में जो पदार्थ घोला जाएगा उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जिस में घोला जाएगा उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। यानी कि कोलाइडी विलयन बनाने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त किया जाता है। ठीक है ना, तो कोलाइडी विलयन का मतलब क्या हुआ, दो चीजें मुख्य रूप से, कि डीपी यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था को डीएम यानी कि परिक्षेपण माध्यम में विलेय किया जाता है। यह परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के बीच का होता है। ठीक है ना, तो कोलाइडी विलयन में विलायक को तो परिक्षेपण माध्यम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम, तो इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे डीएम, है ना, तथा विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, तो शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे डीपी कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन में डीपी डीएम में घोली जाती है या परिक्षिप्त की जाती है। अब अपन तीनों प्रकार के विलयनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला अंतर देखते हैं हम कणों के आकार के आधार पर। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है, कोलाइडी विलयन में आकार 1 nm से 1000 nm के बीच का होता है, और निलंबन में ये आकार 1000 nm से बड़ा होता है। ठीक है ना, प्रकृति वास्तविक विलयन की समांगी है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ घोल दिया गया है, जबकि कोलाइड विलयन और निलंबन की प्रकृति विषमांगी प्रकार की होती है। इस प्रकृति के आधार पर प्रावस्थाओं की संख्या, वास्तविक विलयन में हमें एक ही प्रावस्था दिखाई देती है, यानी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें कुछ घोला गया है या नहीं घोला गया, जबकि कोलाइडी विलयन और निलंबन में हमें दोनों पदार्थों का ये तो पता चलता है कि कुछ मिलाया गया है, क्या पता क्या घोला गया है ये जरूर पता नहीं चलता, तो प्रावस्थाएं तो दो दिखाई देती है। दृश्यता, इसमें वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते, इवन उनको हम अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, जबकि निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से ही देख सकते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्हें देखना संभव है। ठीक है, स्थायित्व की बात करें तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन दोनों ही स्थायी होते हैं, यानी इनको बना दिया जाए तो आराम से इनमें अपघटन अपने आप स्वतः अपघटित नहीं होते और ना ही ये नीचे बैठते हैं, निसरते नहीं है, जबकि निलंबन अस्थायी होते हैं, इसमें डीपी जो होती है या विलेय के कण होते हैं वो स्वतः ही नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना, अब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, यानी गुरुत्वाकर्षण से ये आकर्षित होते हैं या नहीं होते, तो यहाँ देखिए हम वास्तविक विलयन में जो कणों के आकार है वो बहुत ही छोटा है तो उनका उसी आधार पर द्रव्यमान कम है, और जब द्रव्यमान बहुत कम है तो वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होते, यानी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उन पर कैसा होता है, नगण्य होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में आकार 1000 nm से 1000 nm का है, इनसे बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये भी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रभावित हो सके, तो इन पर भी कोलाइडी कणों का प्रभाव नहीं होता। जिसे उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि हमने पानी में नमक या चीनी घोल दी और घोल कर रख दें, तो ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पानी में से नमक या चीनी जो है अघुलनशील होकर नीचे बैठ गया, कभी नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं कोलाइड विलयन, जैसे गोंद से ही उदाहरण लेते हैं हम, गोंद का विलयन अपने आप कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि उसमें से पानी पानी अलग हो गया और गोंद गोंद अलग हो गया,
ऐसे कभी भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन निलंबन क्या होता है, निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने की वजह से उनका मास यानी कि द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, और द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में प्रभावी हो जाते हैं और इसीलिए नीचे तल में बैठ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि निथर जाते हैं, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है ना। अब पृथक्करण की बात करते हैं। पृथक्करण का मतलब है केवल फिल्टरण से या छानने से है कि छानकर हम पृथक्करण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, वास्तविक विलयन जो होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के फिल्टर पत्र से छानने की कोशिश करें हम कभी भी नहीं छान सकते। यानी जैसे नमक का विलयन है या पानी का विलयन है, अगर हमसे कोई कहे कि हमने पानी में नमक घोल दिया है या चीनी घोल दी है और छान कर उसको अलग अलग कर दो, यानी पानी अलग कर दो और नमक अलग कर दो, तो कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। छान कर संभव नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वो फिल्टर पत्र से भी नहीं छन सकते और अति सूक्ष्म निस्यन द्वारा भी नहीं छन सकते। लेकिन निलंबन जो होते हैं, निलंबन में कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि सामान्य फिल्टर पत्र या सामान्य किसी कपड़े से भी छानना चाहेंगे तो आसानी से छन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पानी में कई बार मिट्टी आती है, गंदगी आती है, तो उसको अपन छान के भरते हैं कपड़े से या किसी चीज़ से छान कर भरते हैं, तो उसमें गंदगी गंदगी अलग हो जाती है और पानी पानी अलग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो निलंबन में कण होते हैं, बड़े होते हैं, वो आसानी से छन जाते हैं। तो जब फिल्टर पत्र से ही छन जाएंगे तो अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब होता है, अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति मतलब बहुत छोटा, अति सूक्ष्म निस्यंदन मतलब छानना, यानी हमने ऐसा फिल्टर पत्र काम में लिया है जिसकी छिद्र जो है बहुत ही छोटे हैं। तो जब बड़े छेदों से ही वो आसानी से छन रहा है तो छोटे छेद की जरूरत ही नहीं है, यानी उससे भी आसानी से वो फिल्टरित हो जाएगा। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो सामान्य फिल्टर पेपर द्वारा या फिल्टर पत्र द्वारा नहीं छाने जा सकते, उनको फिल्टरन नहीं किया जा सकता, लेकिन अति सूक्ष्म निस्यंदन निस्यंदक द्वारा उन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है या फिल्टरित किया जा सकता है, ठीक है ना। और देखते हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, वैद्युत कण संचलन, ये वैद्युत कण संचरण है, और स्कंदन का गुण, ठीक है ना। ये जो चार गुण हैं ये केवल और केवल कोलाइडी विलयनों के गुण हैं। ये गुण ना तो पाए जाते हैं वास्तविक विलयनों में और ना ही पाए जाते हैं निलंबन में, ठीक है ना। इन चारों ही गुणों को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब कोलाइडी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे हम। लेकिन यहाँ अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो चार गुण हैं ये विशेष गुण हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचरण और स्कंदन का गुण, जो केवल कोलाइडी कणों द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं, ना ही निलंबन द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं और ना ही वास्तविक विलयन द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है अधिशोषण का, हम ये चैप्टर ही अपृष्ठीय रसायन और अधिशोषण से संबंधित पढ़ रहे हैं, और इस में हमने कोलाइड क्यों पढ़े, क्योंकि उनका भी अधिशोषण से एक संबंध है। क्या संबंध है कि अधिशोषण क्षमता जो होती है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा होती है कोलाइडी विलयनों की, उच्च अधिशोषण क्षमता पाई जाती है, जबकि निलंबन में तो अधिशोषण क्षमता पाई ही नहीं जाती। और यहाँ की वास्तविक विलयनों की बात करें तो इनमें अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन कोलाइडी विलयनों में अधिशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, समझ में आ गई चीज़। तो हम जब कोलाइडी विलयन समझ गए हैं तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की डेफिनेशन भी समझ लें। परिक्षेपण का माध्यम क्या बताया था मैंने आपको, DM, डिस्पर्शन मीडियम, है ना। और परिक्षिप्त प्रावस्था को हम शॉर्ट में कहेंगे DP, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज। ये क्या चीज है, मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया था कि जो विलायक होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है और जो विलेय होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन में वह रासायनिक पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था वितरित होती है ना, यानी कि विलेय होती है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जैसे जल, बेंजीन, एल्कोहल, वायु आदि। लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय का काम करती है, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में वितरित होकर यानी घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। क्लियर हो गई ना चीज। अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण के बारे में। कोलाइडी विलयन हमें समझ में आ गया, ठीक है। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण 5 तरीके से किया गया है, जिसमें से 3 आधारों को या 3 तरीकों को हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी 2 वर्ग तरीकों को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर,
कि परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठीक है ना। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, इन कोलाइडी विलयनों को इंग्लिश में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, और कोलाइडल सॉल्यूशंस को बार बार लंबा लिखने की बजाय शॉर्ट में हम सॉल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सॉल, ठीक है, सॉल कहते हैं, SOL। तो हम यह परिक्षेपण माध्यम यानी जो विलायक का काम कर रहा था, डीएम का काम कर रहा है, उसकी प्रकृति के आधार पर इन्हें हम सॉलों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं कि परिक्षेपण माध्यम को हम बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं, और परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है जिसको डीपी कह रहे थे हम, उसको आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम या बाह्य प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों या सॉलों को निम्न प्रकार नाम दिए जाते हैं। अगर हमने परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया है तो उस सॉल को हम कहेंगे हाइड्रोसॉल। हाइड्रो का मतलब यहां जल से है। अगर हमने अल्कोहल में घोलकर किसी कोलाइडी विलयन का या सॉल का निर्माण किया है तो उसे हम अल्कोसॉल कहते हैं। यदि बेंजीन में घोलकर हमने कोई सॉल बनाया है तो इसको बेंजोसॉल कहते हैं। यदि वायु में घुलकर स्वतः ही कोई सॉल बना है या हमने बनाया है तो उसको हम एरोसॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो जो परिक्षेपण माध्यम आया उसका नाम हमने आगे जोड़ दिया, किसके? सॉल के। सॉल से पहले जोड़ दिया, जल था तो उसको हाइड्रो जोड़ दिया, उसके लिए एल्कोहल के लिए एल्को जोड़ दिया, बेंजीन के लिए बेंजो जोड़ दिया, और वायु के लिए एरो, एयर कहते हैं इसको, तो एरो जोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर और कोई परिक्षेपण माध्यम हो तो उसके नाम को इसी तरह जोड़कर हम उसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी जिसको हम डीपी या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं, इसकी आवेश के आधार पर। अब देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था जब परिक्षेपण माध्यम में वितरित होती है तो उस वितरण के दौरान गति होती है। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है उनमें आपस में घर्षण होता है, और घर्षण जब होता है तो आवेश उत्पन्न होता है। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डीपी और डीएम में जब घर्षण होगा तो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होगा, तो उसमें एक पदार्थ तो धनावेशित हो जाएगा और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो धनावेशित और ऋणावेश जो आवेश आए हैं वो किस पर कौन सा आवेश आया है उस आधार पर हमने सॉल को भी दो भागों में बांटा है, क्योंकि हमें पता है आवेश कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, या तो धनावेशित या ऋणावेशित। तो अगर घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश से सॉल के जो कण हैं यानी डीपी कोलाइडी अवस्था की जो कण हैं वो अगर धनावेशित हो गए हैं तो उन्हें हम धनावेशित कोलाइड कहेंगे, और ऋणावेशित हो गए हैं तो उन्हें हम ऋणावेशित कोलाइड कहेंगे। यानी वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था धनावेशित होती है धनावेशित कोलाइड कहलाते हैं, जैसे धातुओं के हाइड्रोक्साइडों के सॉल, कैसे जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल आदि, ठीक है ना। ये धनावेशित होते हैं। ऋणावेशित कोलाइड क्या होते हैं? ऋणावेशित कोलाइड का मतलब है कि जब डीपी और डीएम में आपस में फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन से जो आवेश उत्पन्न हुआ उसमें सोल के ऊपर तो आ गया है ऋणावेश, और डीएम के ऊपर यानी कि डिस्पर्स्ड माध्यम डीएम परिक्षेपण माध्यम के ऊपर आ गया है धनावेश। तो चूंकि सॉल के कणों के ऊपर या कहें कि डीपी के ऊपर ऋणावेश आया है तो उनको हम ऋणावेशित कोलाइड कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है बच्चों, आवेश तो दोनों आ रहे हैं, धनावेश भी आ रहा है ऋणावेश भी आ रहा है। कोलाइड वास्तव में कुल रूप में उदासीन है, उस सॉल पर कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं है, लेकिन उस सॉल में जो डीपी है वो डीपी अगर धनावेशित है तो धनावेशित कोलाइड कहलाएगा, और डीपी अगर ऋणावेशित हो गई है तो उसको ऋणावेशित कोलाइड कहते हैं। जितना इन कोलाइड के कणों पर धनावेश या ऋणावेश आता है उतना ही धनावेश या ऋणावेश डीएम के कणों पर भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर सॉल तो उदासीन ही रहता है, लेकिन सॉल के जो कोलाइडी कण हैं या कहें कि डीपी के जो कण हैं वो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। तो ऋणावेशित सॉल जितने भी होते हैं वो ज्यादातर धातुओं के सॉल हैं, ठीक है, ज्यादातर धातुओं के सॉल ऋणावेशित होते हैं, जबकि धातु हाइड्रोक्साइडों के सॉल धनावेशित होते हैं। देखो जैसे पीटी एजी एयू एफई एएस2ओ3 सीयू आदि, इन सब के सॉल कैसे होते हैं? ऋणावेशित, ठीक है ना।
तीसरा जो वर्गीकरण है वो है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर का मतलब हुआ कि भौतिक अवस्था में डीपी और डीएम सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो हमें याद रखनी है बच्चों कि गैस में गैस का कोलाइडी विलयन कभी नहीं बनता, ठीक है ना। गैस में गैस का कोलाइडी विलयन कभी भी नहीं बनता, ठीक है। तो हम देखो, अगर हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है तो हम उसे गैस में भी घोल सकते हैं, द्रव में भी घोल सकते हैं और ठोस में भी घोल सकते हैं। उसी प्रकार अपनी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डीपी जो है वो द्रव है तो उसको भी हम तीनों में घोल सकते हैं, गैस में भी घोल सकते हैं, द्रव में भी घोल सकते हैं, ठोस में भी घोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी डीपी गैसीय है तो द्रव में घोला जा सकता है, ठोस में घोला जा सकता है, लेकिन गैस का गैस में कभी भी विषमांगी विलयन नहीं बनता। हमने क्या पढ़ा था, कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी, जबकि गैसों की गैसों में जो मिश्रण बनता है वो समांगी बनता है, यानी कि वो कोलाइडी विलयन कभी भी नहीं बन सकता। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वैसे कुल मिला के 9 प्रकार के विलयन बनते हैं, ठोस का गैस में, द्रव में और ठोस में, द्रव का भी गैस में, द्रव में, ठोस में, गैस का भी गैस में, द्रव में, ठोस में। लेकिन यहाँ कोलाइडी विलयन की जब हम बात करेंगे तो गैस में गैस का कोलाइडी विलयन संभव नहीं है, तो हमने उस एक कोलाइडी विलयन को हटा दिया। तो हमारे 8 प्रकार के सॉल बनते हैं पर डीपी और डीएम की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना। वहां यहाँ विशेष बात आपको ये याद रखनी है कि मैंने आपको बताया कोलाइडी विलयनों को हम क्या कहते हैं, सॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन दो प्रकार, विशेष प्रकार के कोलाइडी विलयन हैं जिनको हम सॉल नहीं कहते, वो कौन से हैं, द्रव का द्रव में जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसे हम इमल्सन या पायस कहते हैं। द्रव का द्रव में जो कोलाइडी विलयन बनता है उसको इमल्सन या पायस कहते हैं, जबकि द्रव का ठोस में जो विलयन बनता है कोलाइडी विलयन, द्रव का ठोस में, यानी कि ठोस तो परिक्षेपण माध्यम है, उसमें हमने द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में डाल दिया, उसको हम जेल कहते हैं, बाकी सभी सॉल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ठोस का गैस में, ठोस का गैस में सॉल, जैसे धुआं, धुएं में, धुआं में धूल के कण होते हैं, कार्बन परमाणु के कण होते हैं, बहुत सारे अवांछित कण होते हैं जो धुएं में पाए जाते हैं, जो एरोसॉल भी है। ठोस को द्रव में घोला जाए, ये सारे सॉल, जैसे गोंद भी है, ठीक है ना। मैं उदाहरण आपको और बताती हूँ, ठोस का गैस में, ठोसों की वायु सॉल या धुआं या एरोसॉल, जैसे धूल का तूफान, धूल का तूफान आया तो धूल के जो ठोस कण होते हैं वो हवा में घुल जाते हैं, ठीक है। तो धूल का तूफान, यानी धूल ठोस का है और गैस में यानी हवा में घुल गए, उसको एरोसोल या धुआं कहते हैं। ठोस का द्रव में, ठोस घुल जा रहा है द्रव में, उन सबको हम सोल कहते हैं, जैसे सोने का सोल या कोलाइडी सोल, इसको अपन सोने का पानी कहते हैं। दलदलित या जल में वितरित स्टार्च गोंद, स्टार्च का जो सोल बनाया जाता है या गोंद का सोल बनाया जाता है, जितने भी अपने पेंट या वॉर्निश होते हैं वो सारे के सारे ठोस को द्रव में घुल कर बनाए जाने वाले हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन आदि सभी, ठीक है। ठोस का ठोस में, यानी दोनों ही भौतिक प्रावस्थाएं ठोस हैं, उनको अपन सॉलिड सॉल कहते हैं। जैसे खनिज, ये एक या दो से, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिक्स रहते हैं, काले हीरे, रूबी, कांच, विभिन्न रत्न, जितने भी खनिज पदार्थ हैं ना, वो ज़्यादातर ठोस सॉल हैं, ठीक है। उनमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पदार्थ आपस में मिक्स्ड रहते हैं, अनेक प्रकार के सोलों का निर्माण कर लेते हैं। अब द्रव की बात करते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था जब द्रव है तो द्रव जब गैस में घुले, द्रव जब गैस में घुले, जैसे कोहरा, कोहरे के टाइम में क्या होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें वायु में यानी हवा में घुली हुई रहती हैं, तो वो जो कोहरा है ना, वो द्रव का गैस में सॉल या एरोसॉल का उदाहरण है। जैसे देखो कोहरा, बादल, बादल भी क्या है, जल की बूंदें संघनित होकर ऊपर वायुमंडल में क्या बनाती हैं, बादल ही तो बनाती हैं। तो द्रव, जल की बूंदें संघनित हुई तो द्रव रूप में आ गई, अब वो हवा में तैर रहे हैं। कीटनाशी दवाओं का छिड़काव, जो खेतों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है वो भी हमेशा वो वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं ताकि वो आसपास के कीड़ों को मार दें, तो वो भी कोलाइडी क्षेत्र के होते हैं और सॉल का निर्माण करते हैं। फुहार एरोसॉल, फुहार एरोसॉल मतलब फुहारे के थ्रू एरोसॉल जो छोड़ा जाता है, दवाइयाँ छोड़ी जाती हैं, वो द्रव का द्रव में। अभी मैंने आपको बताया था जब डीपी और डीएम दोनों ही द्रव भौतिक अवस्था के हों तो ऐसे सॉल को हम पायस या इमल्सन कहते हैं। जैसे दूध,
दूध में अधिकांश भाग पानी होता है, लेकिन उसमें वसा, तेल या घी विलय रहता है द्रव रूप में। ठीक है, इमल्सीकृत तेल या ज्यादातर दवाइयां, तेल जल मिश्रण, यानी दो भौतिक प्रावस्थाएं हैं, दोनों दो पदार्थ हैं, दोनों की भौतिक प्रावस्था समान है। द्रव को ठोस में घोला गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, द्रव को ठोस में जब घोला जाता है तो ऐसे सॉल को हम सॉल ना कह के जेल कहते हैं। जैसे पनीर, पनीर में ज्यादातर पार्ट सॉलिड होता है, ठोस होता है, लेकिन उसमें पानी के कण पाए जाते हैं। इसी प्रकार मक्खन, बटर जो होता है उसमें पानी के कण पाए जाते हैं। बूट पॉलिश, खाने की जिलेटिन, विभिन्न जेलियां, इन सब में ये सब ठोस हैं, लेकिन इन सब में पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ये द्रव का ठोस में जेल है। गैस को द्रव में, अब गैस की बात करते हैं। गैस को द्रव में जब घोला जाता है तो झाग बनते हैं। साबुन के सरफ को हम पानी में घोल कर थोड़ा हिलाएं तो हिलाने से क्या होगा, पानी में गैस घुल जाएगी, हवा घुल जाएगी, उसे झाग आते हैं। जैसे साबुन का विलयन, फैटी हुई क्रीम, हम क्रीम को बहुत ज्यादा बीट करते हैं तो उसमें एयर आ जाती है और झाग बन जाते हैं। फैटी हुई क्रीम में भी फिट जाती है, फ्लफी हो जाती है। कोका कोला के झाग, बियर के झाग आदि। ठोस में गैस में ठोस, यानी ठोस में गैस कब घुली होती है उसको भी ठोस सॉल्ट कहते हैं। जैसे प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन क्या होता है, ठोस होता है लेकिन उसके अंदर, जैसे केक में जाली होती है, केक का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। केक में जो अंदर जाली होती है उसमें हवा होती है ना, फ्लफी होता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड ठोस है लेकिन उसके अंदर हवा भरी होती है, तो वो भी कोलाइड विलयन का उदाहरण है, इसको ठोस सॉल्ट कहते हैं। रबड़ है, स्टायरीन फोम है, समुद्री फेन है, ये सभी ठोस सॉल्ट के ही उदाहरण हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमने तीन वर्गीकरण पढ़ लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बाकी के वर्गीकरणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।